नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक यूजर क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेने से पहले, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं वो करिए। लोगों को रिकमेंड करिए इस वीडियो के बारे में, ताकि अवेयरनेस फैल सके, लोगों को पता चल सके इंडियन लॉ के बारे में, और अपनी डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, सोसाइटी क्राइम फ्री हो सके, और वायलेंस से जहां तक हो सके बचिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। चलते हैं सर के पास, ऋषेश कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर, आज का पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है ये खालिद खान का है। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, इनके भाई के ऊपर शायद झूठा केस कर दिया है किसी लड़की ने, और इनको रेप केस में फंसा दिया है, शायद जमीन भी इनकी कुछ उसके नाम पे। क्वेश्चन जो है इनका थोड़ा स्पष्ट नहीं है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने वकील से भी सजेशन लिया है, एडवोकेट से भी और जज से भी। तो जज ने इनको रिकमेंड किया है कि उस लड़की को तो सजा नहीं होगी अगर आप केस जीत भी जाते हैं तो, और साथ ही साथ इनको कोर्ट में उस लड़की को पैसे देने पड़ते हैं आने जाने के लिए। मतलब पूरी तरीके से ये परेशान हो चुके हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि लड़की ने इन्हें फंसा दिया है, और फिर उसको आने जाने का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा भी इन्हें देना पड़ता है। देखिए, इन्होंने कुछ अपनी समस्या स्पष्ट बताई नहीं है। जी, खान साहब को कानून पर विश्वास करना चाहिए। जी, और अगर एक वकील से संतुष्ट ना हो तो दूसरे वकील से चर्चा करें। हाँ, दो तीन लोगों से डिस्कशन कर लें, लोगों से डिस्कशन करके तब अपने उस लड़ाई का तरीका व्यूहरचना करें। हाँ, एक प्लान वे भी चले, सक्सेस जरूर। अगर हाँ, कोई अगर फंसाता है जी, तो तुम्हें उसे बचने का साक्ष्य जुटाना होगा जी, और वो तभी संभव है जब आप बुद्धि से काम करो जी, है ना जी। देखिए, जो गर्म लोहे को कच्चा लोहा काट देता है, जो ठंडा लोहा है वो काट देता है। ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। कोई किसी को फंसा नहीं सकता अगर आप सावधान रहें तो, ठीक है। एक तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपराधिक न रखें जी, ठीक है जी, और कई वकीलों से इस पर चर्चा करें जी, ठीक है जी। तो आपको स्पष्ट रास्ता उससे मिल जाएगा, मिल जाएगा। और आपने कोई क्वेश्चन स्पष्ट हमको बताया नहीं है, इसलिए थोड़ा स्पष्ट जवाब देने पढ़ने में नहीं आ रहा है। क्या आप लिखते हो, क्या आपका मोटिव है? हाँ, वो थोड़ा सा कहते हैं, आप अपनी समस्या खुल के बताओ, क्या समस्या है जी। अब कोर्ट काहे को देगी कि इनको देखे, या तो कोई आपका उससे महिला से कोई पारिवारिक संबंध है, रिलेशनशिप है जी, जिसकी वजह से कोर्ट आपको किराया या कोई उसको मेंटेनेंस का पैसा देने के लिए कह रही है जी, ठीक है। वो फैमिली कोर्ट में जब आदमी कोई केस लूज करता है पुरुष, तब उसकी जिम्मेदारी होती मेंटेनेंस का, जो सक्षम होता है अक्षम को देता है जी। तो उसमें भी कानून, तो सब कानून की निगाह में स्त्री पुरुष बराबर है जी, है ना जी। अब अगर स्त्री कमाऊ है तो पुरुष उससे मांग सकता है, ऐसा नहीं है जी कि वो सिर्फ उसमें स्त्री को प्रधानता दे दी गई कानून जी जी। ये तो आपने बताया था जी, अगर जी। अगर पुरुष सक्षम है, अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हैं कि आपके पास कमाई के साधन है, तो आपको महिला को देना होगा जिससे आपके रिलेशन, आपकी पत्नी है या कोई है जी, है ना, आपकी लड़की है, आपका लड़का है, अगर वो अक्षम है तो वो आपसे मेंटेनेंस ले सकता है, ठीक है। ऐसी कोई बात होगी नहीं, तो कानून में, कानून के निगाह में हर आदमी बराबर है जी। आप कानून पर विश्वास कीजिए। हाँ, और उसका रास्ता प्लान वे में चले तो जरूर सक्सेस मिलेगी। हर चीज की काट है, जिस तरह का, जहाँ लाठी की लड़ाई वहाँ लाठी से आप लड़ सकते हो जी, लेकिन जहाँ कानून की लड़ाई है वहाँ कानूनी दांवपेच से ही फुर्सत मिलेगी जी, ठीक है। और अगर आपको फर्जी फंसाया जा रहा है तो आप अगर दिमाग से काम करेंगे तो बहुत आसानी से उसे फुर्सत पा जाएंगे, लेकिन परेशानी किसी चीज का हल नहीं है। हाँ, परेशान होने से तो फेस करने की जरूरत है ना जी। फेस करेंगे आप और तो सक्सेस मिलेगी जी, बिल्कुल। थैंक सर। सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये राम जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि सर प्लीज आपसे जानना चाहता हूँ, इनको किसी आदमी ने कहा है कि तुमने मेरे बेटे को बैप कर दिया है, तो जो झूठा इल्जाम लगा रहा है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि अब क्या इसमें फंस सकते हैं? ये सिर्फ कहने से तो, झूठा इल्जाम लगा देने से कोई फंस नहीं जाता है, जिसके लिए न्यायालय पर ट्रायल होता है, पेश करना पड़ता है ना जी, या पुलिस में कोई तहरीर जाती है तो उसका फिर पुलिस जांच करती है। आपका दामन साफ है तो कहने से कुछ नहीं होने वाला जी, ठीक है। ऐसे तो कहते, बहुत लोग सड़क पे कहते चले जाते हैं
और एक चीज सर ये वीडियो में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग इनोसेंट लोगों की मदद करने यहाँ बैठे हैं, किसी क्रिमिनल की हम लोग मदद नहीं कर रहे। अगर आपने क्राइम किया हुआ है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बचें, तो मैक्सिमम केसेस में आपको सजा होनी ही होनी है। हो सकता है एक दो केस में आप बच सकते हैं, बट सर उसमें आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं ये। अगर आप इनोसेंट हैं जी तो हम आपका सहयोग करते हैं जी। वहाँ आप क्वेश्चन खुल के पूछिए, हम आपको पूरी रेमेडी बताएंगे जी। वही मतलब एक लोगों का ये मैसेज जाना चाहिए कि समाज के में ऐसे लोग जो तो हम उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये मैसेज जाए कि हर किसी की हम मदद, ऐसा नहीं, मदद तो करना है। कोई अगर फंसा हुआ है, हम वकील हैं, कोई आता है मेरे सामने तो उसको हम न्याय का रास्ता तो सुझाएंगे जी। लेकिन मेरा मोटिव यह है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को फायदा पहुंचे जो इनोसेंट हैं, जो डर रहे हैं कानून से, अदालत से, पचड़ा समझते हैं उसको जी, इस पचड़ा में कौन फंस जाए जाके जी, है ना, उनको हम उससे बचाना चाहते हैं। तो सर इनके में क्या आंसर होगा जो इनके ऊपर अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है? तो अगर झूठा इल्जाम है तो वो अपने आप, अगर इन्होंने नहीं ले रखा है नहीं अगर मतलब कोई, इन्होंने कहा कि बेटे को गायब किया, नहीं तो आप गायब करेंगे तो रिसोर्सेज आप खुला उनको अपना घर दिखा दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए या हम कहाँ रखेंगे उसको जी। फिर आपकी कोई उससे मिट्टी या कोई चीज नहीं है, कुछ प्रॉफिट तो आप क्यों ऐसा करेंगे जी, है ना। आप अगर उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो उनका वो संदेह खत्म हो जाएगा, है नहीं जी। ये बेहतर होगा आप सीधे कम्युनिकेट करें उस आदमी को जो आपको इस तरह से बता रहा है जी, उसको समझाने का प्रयास करें जी, है नहीं जी। तो आपका दामन साफ है तो किसी कहने से कुछ नहीं होता। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अमर मालवीय ने पूछा है, इन्होंने पूछा है 279 और 337 लगी है थी, चालान भर दिया था इन्होंने, तो जानना चाह रहे हैं क्या गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, मतलब इनको कोर्ट से चालान भरने के लिए दिया गया था, दो केसेस हुए थे इनके ऊपर, तो ये जानना चाह रहे हैं क्या गवर्नमेंट जॉब इनको मिलेगी? नहीं, कुछ फाइन में कोई वो से कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, फाइन वाइन कोई सूचना जाती नहीं है जी, क्योंकि पुलिस को जिसमें अब सजा हो जाती वही सूचना भेजी जाती है जी, है ना जी, इसलिए तो कोई इनको परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर अगर इनको कोई सजा हुई होगी तो उसमें दिक्कत है, दिक्कत हो सकती है, है ना। अगर कोर्ट फाइनल केस फाइनल हो गया है, अगर फाइन हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मोटरसाइकिल से पकड़ गए तो लोग फाइन दे देते हैं, कोई चीज नहीं, हेलमेट नहीं, तो उसमें सामान्य लोगों को हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, उसमें जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जी। ये सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंकित कुमार का क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने पूछा है कि किसी एडवोकेट ने इनके फादर से गलत तरीके से बात कर दी थी। अच्छा जी, गलत तरीके से मतलब कुछ अब्यूज किया था पब्लिकली, ये कह रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं किस तरीके से हम उस एडवोकेट के खिलाफ केस कर सकते हैं। अब ये जो है एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अगर कोई वकील से अपनी राय लेने के लिए ऑफिस में आता है या मिलता है जी, तो उसे गाली या ऐसे अब्यूज व्यवहार नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, उसके लिए आप बार काउंसिल को लिख सकते हैं, बार काउंसिल को एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, डाल सकते हैं और उसमें सुनवाई होती है और वकील से आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जी जी। तो सर क्या कहते हैं इनको, जिस कोर्ट से वो रिलेटेड होंगे उसी बार काउंसिल में कंप्लेंट करनी होगी? नहीं, अब जिस बार काउंसिल को मेंबर होंगे वहां इनको देना। अच्छा, तो इसका एक ही तरीका है, केस नहीं कर सकते हैं, बार काउंसिल को केवल केस तो गाली देने के लिए, अगर ये बिजनेस है, कोई धमकी उसके साथ जुड़ी है जी, तो उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, कंप्लेंट केस हो सकता है जी, है नहीं, उन्होंने कोई धमकी दिया हो उसके साथ, है ना, तो कोर्ट केस भी हो सकता है। अच्छा, है ना, लेकिन उसके लिए फिर एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कोर्ट पे, तो केस कंडक्ट शुरू हो जाएगा जी। कानून के निगाह में वकील और सामान्य आदमी सब बराबर है जी, कानून वेरिएशन नहीं करता, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज कानून में नहीं है कि हर आदमी के लिए अलग अलग कानून है, सबके लिए देश के लिए एक ही कानून जी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो एक सामान्य आदमी है, साथ ठीक है, इसलिए कानून पे विश्वास करिए, वकील साहब ने ऐसा किया तो गलत किया और उसके लिए वो आप कंप्लेन करिए बार काउंसिल, हो सकता है कि ऐसे ही कुछ कह गए हों। हाँ, कभी कभी आदमी मेंटल प्रेशर या फिर
किसी दूसरी चीजों से परेशान है। कोशिश करिए कि आप, आपने ऐसा क्यों किया जी, हमने तो कोई आपसे रेमेडी मांगी थी तो आप नहीं सर, अब इन्होंने एग्जैक्टली कटे पर अगर कोई आगा परेशानी लेकर किसी वकील के पास तो गाली गलौज करे उसको और अब्यूज करे, उसको करने का हक नहीं है भाई, राय देने का काम है वकील का है ना, उनको नहीं करना चाहिए जी। ये सर क्वेश्चन ऐड हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आसिफ कुरैशी जी हैं, इन्होंने पूछा है, शायद इनको सजा हो गई है 379 और 411 में कितने दिन में बेल हो सकती है, प्लीज हेल्प करिए। मे बी स्टूडेंट होंगे जानना चाह रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। देखिए बेल के लिए कोई डेट नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बेल हो जाएगी इनको लोअर कोर्ट में, पहले लोअर कोर्ट से खारिज हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। अच्छा, सेशन कोर्ट में हो जाती है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जी। बेल की कोई डेट नहीं निश्चित होती है ना, लेकिन अपराध के हिसाब से अगर अगर आप इनोसेंट है तो बेल मिल जाती है, मिल जाती है। तो व्यूअर्स आपने देखा किस तरीके से सर ने सारे क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर दिए और लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से अपने लॉ पे आप ट्रस्ट रखते हुए किस तरीके से आप अपने फेवर में जजमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज वायलेंस से जहां तक हो सके बचिए, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सेम प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान है तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो वो आप तक पहुंच जाए, आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आए तो वो आप तक पहुंच जाए। प्लीज हेल्प अवर डेमोक्रेसी। थैंक फॉर वॉचिंग।